অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের দায়ে বিজিবি সদস্যদের হাতে আটক হয়েছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর এক সদস্য। ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ সীমান্ত থেকে উপল কুমার দাস নামে ওই বিএসএফ সদস্যকে আটক করা হয়। বিজিবি নে জি হ্যাঁ বিএসএফ কে এক সিকিউরিটি এহলকার কো এক সোলজার কো গিরফতার কর লিয়া হ্যায় অ্যারেস্ট কর লিয়া হ্যায় বড়ি খবর হ্যায়। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार किस तरह से जो हिंदुस्तानी दरअंदाज है, इन्फिल्ट्रेटर है, ये होता है अमित शाह किधर है आप देखें। इन्फिल्ट्रेटर इसको कहते हैं, दरअंदाज इसको कहते हैं, घुसपैठिए इसको कहते हैं। किस तरह से बांग्लादेश की जो फोर्स है बीजीबी, उसने इसको अरेस्ट किया, फिर उसका फेंटा लगाया, उसको ठीक ठाक ठुकाई की, और जो इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश ने भारत की ठुकाई की है, यानी बेइज्जती की है, और वो सबके सामने है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बीजीबी ने काफ़ी सालों बाद बीएसएफ के एक अहलकार को, पीरगंज का ये इलाका है, बॉर्डर है और ठाकर गांव का इलाका है, वहां से, यानी ये बीएसएफ का जो जवान है इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स का, ये बांग्लादेश वाली साइड में, बांग्लादेश के बॉर्डर में घुस गया और वहां पर इनकी आदत बनी हुई थी, आते थे अपनी गेम शेम डालते थे और चले जाते थे। और बास दफा तो ऐसा हुआ है कि जो किसान फार्मर्स थे बांग्लादेशी, उनकी भी मरम्मत करते थे, उनको मारते थे, फिर वापस चले जाते थे। लेकिन जासूसी भी करते थे, स्मगलिंग भी करते थे, रॉ के एजेंट के तौर पर भी आते थे। उन्होंने कहा भी इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे, गेम अपनी पूरी करेंगे, जो मिशन है वो पूरा करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। उनको नहीं पता था भाई अब शेख हसीना की हुकूमत नहीं है, अब डॉक्टर यूनस की हुकूमत है, अब नौजवानों की इनकलाबी हुकूमत है, अब आपकी ठुकाई करेंगे, अब आपको पकड़ कर आपकी नानी याद करवाएंगे, जो वो नानी जो आपके घर में बैठी हुई है ना, हसीना नानी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, वो जब आए तो बीजीबी वालों ने पकड़ लिया उसे, और ऐसा पकड़ा, उसकी पहले दुर्गत बनाई, फिर वहां के जो विल्जर्स थे वो कहने लगे कि यार हमारे रईसुद्दीन को शहीद किया इन बेगैरतों ने, बीएसएफ वालों ने, अब इनको भी मारो, अब लाश के बदले में लाश। आज से 4-5 महीने पहले की बात है, रईसुद्दीन बांग्लादेशी बीजीबी का एक जवान, उसको बीएसएफ वालों ने स्मगलर कह के इल्जाम लगाकर उसको मार दिया, शहीद कर दिया। अब वो कह रहे कि इसको मारो, इसको नहीं देना हमने। कैसे अहमद शाह से अब पूछना चाहिए, उस चवल इंसान ने, उस बेगैरत ने, जिस तरह से मैं कहता हूं इतने वाहियात किस्म का जो उसने स्टेटमेंट दिया है, उल्टा लटका कर मारेंगे घुस बैठिए बांग्लादेशियों को। और ये है घुस बैठना इलीगली तौर पर, किस तरह से गैर कानूनी तौर पर आपके जो बीएसएफ का एक जवान है वो किस तरह से बांग्लादेश में घुस रहा, पकड़ा गया है। ये होते हैं घुस बैठिए, इसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेटर, दरअंदाज। किस तरह से आना है, वो तो आप वीजा देते हैं बांग्लादेशियों को, ना दें, वो तो कानूनी तौर पर आए हैं, वो लीगली तौर पर आए हैं, इलीगल नहीं आए। और आपने जो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है अहमद शाह, उससे पता है कितने लोगों के दिल में नफरत, एंटी भारत सेंटीमेंट जागा है। और बांग्लादेश ने भी भरपूर उसको जवाब दिया है और एहतजाज किया है, उनका जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उसको बुलाया है, उसको कहा है कि खबरदार अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का बयान दिया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पहले ऐसा नहीं होता था, शेख हसीना की हुकूमत ही चुप करके बैठ जाते थे, जो मर्जी ये कहे जाए, उनको गुस्सा है। एक गुस्सा ये है कि बांग्लादेश अपनी मर्जी के फैसले कर रहा है, दूसरा गुस्सा ये है कि जो बाइडन के साथ जफ्फी वाली मुलाकात हो गई है, जी हाँ, जो इन्होंने पूरे का पूरा एक वो चेन चला रखी थी ना बांग्लादेश के खिलाफ, और ये मोदी ने जाके उधर अमेरिका में, वो भी इनकी सारी की सारी प्लानिंग स्ट्रेटजी और वो एक लॉबी सारी दफन हो गई है, तबाह हो गई है, निश्चित हो गई है, खत्म हो गई है। आइए वीडियो देखते हैं जी, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। 3-2-1 एंड। অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের দায়ে বিজিবি সদস্যদের হাতে আটক হয়েছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর এক সদস্য।
মঙ্গলবার ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ সীমান্ত থেকে উপল কুমার দাস নামে ওই বিএসএফ সদস্যকে আটক করা হয়। বিএসএফ সদস্যকে আটকের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বিজিবি 42 ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল ইসলাম। পীরগঞ্জ বিজিবির চান্দেরহাট সকালে উপল কুমার দাসকে আটক করা হয়। ওই বিএসএফ সদস্য সীমান্তের জিরো লাইন অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েন। বিষয়টি বিএসএফ এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে উল্লেখ করে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল ইসলাম আরও জানান, বিজিবি ও বিএসএফ কর্মকর্তাদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে ফেরত দেয়া হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রায় 4096 কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, যা বিশ্বের পঞ্চম দীর্ঘতম ভূমি সীমানা। এর মধ্যে আসাম রাজ্যের সাথে 262 কিলোমিটার, ত্রিপুরার সাথে 856 কিলোমিটার, মিজোরামের সাথে 358 কিলোমিটার, মেঘালয়ের সাথে 400 কিলোমিটার এবং পশ্চিমবঙ্গের সাথে 2217 কিলোমিটার। নিউজ ডেস্ক 52 টিভি। আপনি ভিডিও দেখি হ্যায় দোস্তো, আব আপনে বাতানা হ্যায় কমেন্ট সেকশন মে कि किस तरह से जो बांग्लादेश की जो बीजेपी फोर्स है वो इस वक्त बड़ा बहादुराना, एक जैसे ब्रेव अफवाज होती है, फोर्स होती है, उस तरह वो एक्ट कर रही है, काम कर रही है, उस तरह नहीं कर रही जिस तरह से शेख हसीना ने। वाकई ही अब जो बांग्लादेश की जो बीजेपी है वो शेर बन चुकी है और वो ऐसा शेर बन रही है उसके सामने जो भी आता है उसे पकड़ लेती है। और अब सही मानों में वो कहते हैं एक आज़ाद हुकूमत है बांग्लादेश के पास, और वो आज़ाद हुकूमत जो दिल करता है अपने फ़ायदे के लिए वो फैसला वो कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तुर्की और बांग्लादेश, यानी तुर्की भी अब बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। तुर्की ने भी कह दिया कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और फिर साइड लाइन के ऊपर मुलाकातें हो रही हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनस की वर्ल्ड लीडर्स के साथ। देखें, डॉक्टर यूनुस के बारे में भी एक वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे, वो वीडियो भी मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसे दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे दुनिया उसको पसंद करती है। डॉक्टर यूनुस की बांग्लादेशी भाइयों, रिस्पेक्ट करो जितनी हो सकता है, ये वर्ल्ड लीडर है और इसको दुनिया मानती है। और एक तरफ मोदी है जो कहता है कि मैंने डॉक्टर यूनुस के साथ मुलाकात नहीं करनी, मीटिंग नहीं करनी। भाई आपकी क्या औकात है मोदी जी, आप चाय बेचने वाले हो यार, टी सेलर हो, और दूसरी तरफ वर्ल्ड लीडर है और प्रोफेसर है, नोबल इनाम याफ्ता है, दुनिया उसको मानती है। एक तरफ आप हो भाई, आपके अंदर तो एक वो एक आरएसएस की सोच भरी हुई है, कमीनियत भरी हुई है, आपका उसके साथ क्या मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं है। व्यूअर्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।